ओम शांति। हम योग का अभ्यास करेंगे। शिव पिता परमात्मा ने बच्चों को यह दिव्य वरदान दिया, ज्वाला स्वरूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। मैं आत्मा याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए शिव बाबा को माता पिता के रूप में, कभी शिक्षक सतगुरु रूप में तथा कभी बंधु सखा के रूप में याद करती हूँ। मेरे शिव पिता साथ हैं, ज्ञान रत्नों की बरसात है, वो मेरे शिव हैं, मैं उनका शंकर, एक अजन्मा है, हम में अंतर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, मेरे शिव पिता साथ हैं। आज मैं अमृत वेले यह अभ्यास करूंगी। मैं आत्मा शंकर समान योगी तपस्वी वन परमात्मा शिव की गहन याद में समा गई हूँ। मस्तक पर आत्मिक स्मृति और परमात्म स्मृति का तिलक जगमगा रहा है। आत्मा आत्म स्मृति ही परमात्म स्मृति का आधार है। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा परमात्म चिंतन में मगन हूँ। आत्म चिंतन तथा परमात्म चिंतन द्वारा ही आत्म परिवर्तन संभव होता है। आत्म चिंतन से ही आत्मा की प्रतिभा में वृद्धि होती है। आत्म चिंतन ही आत्मा में सर्वशक्तियां जागृत होती है। जब मैं आत्मा स्वचिंतन तथा आत्म चिंतन करती हूँ तो मेरे साथ चिंतन में ज्ञान सागर कल्प वृक्ष के बीज शिव बाबा भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए शुभ चिंतन भी श्रेष्ठ बन जाता है। मुझे सदा यह नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। हम उनके द्वारा यह पढ़ रहे हैं। मुझे किसी और ने नहीं, शुद्ध रूप से शिव शिक्षक से पढ़ने में आनंद आता है। यह ईश्वरीय पढ़ाई हमें मनुष्य से देवता बनाती है। पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, बुद्धि दिव्य बन जाती है। संगम युग पर ज्ञान खजाने ईश्वरीय विद्यार्थियों के पास आत्म चिंतक और परमात्म चिंतक के पास ही मिलेंगे। परमात्म चिंतक आत्मा देह और दुनिया के लिए
जीवन ऊर्जा का निर्माण करने के आनंद में खोई रहती है। परमात्म संग और समीपता का बल और सुख, ये दोनों कीमती खजाने भी सिर्फ परमात्म चिंतक के पास ही मिलेंगे। सर्व खजानों से संपन्न बनने के लिए मैं आत्मा, परमात्मा की याद का बल तथा परमात्म ज्ञान का अध्ययन कर रही हूँ। स्वचिंतक बन सर्व का शुभ चिंतन कर रही हूँ। सीपिया की समीपता द्वारा समानता का अनुभव कर रही हूँ। बिना दर्शन तथा स्वचिंतन के आत्मा की उन्नति संभव ही नहीं। द्वापर युग से लेकर 2500 वर्षों का अनुभव कहता है, ज्ञान खजानों से भरपूर होते हुए भी आत्माओं का निरंतर पतन होता गया और आज घोर कलयुग में सभी शक्तिहीन होकर भ्रष्टाचार, दुराचार, अनैतिकता तथा दूषित मानसिकता की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। अब स्वयं परमात्मा आकर हम आत्माओं को परमात्म ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। हमारे कल्याण अर्थ प्रतिदिन हमें पढ़ा रहे हैं। हमें नरक से निकालकर स्वर्ग में ले चलने के लिए योग्य बना रहे हैं। ज्ञान रत्नों का अविनाशी खजाना तथा योग बल द्वारा दिव्य गुण व शक्तियां देकर मानव से देव बना रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर आत्मा सदा स्मृति स्वरूप रहती है। स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थि स्वरूप हम आत्माएं शिव पिता परमात्मा की सदा आभारी है। शिव पिता परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे सत्यों के योग्य बना रहे आप। शिव पिता का कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे सत्यों के लायक बना रहे हैं, योग्य बना रहे हैं और ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बना रहे हैं, शुक्रिया। ओम शांति।